का, तो आज हम यहाँ कैमू में आए हैं, जो ये ज़ियारत रोड जाता है, नियर अबाउट आधा किलोमीटर है मेन रोड से अंदर की तरफ। यहाँ शेखुल आलम की ज़ियारत है, लोग दूर दूर दराज एरियो से आते हैं। लेकिन यहाँ की रोड्स की कंडीशन देखिए क्या है। अगर ये देखेंगे, ये गड्ढा देखिए कैसा है, पानी का पानी है यहाँ पर जमा। आज फ्राइडे है, फ्राइडे में बहुत दूर दूर से लोग सराउंडिंग एरियाज से, बांध से, मुतलहमा से, कैमू से, गब्बल यहाँ रडवनी से लोग आते हैं इबादत गाह पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन इनकी रोड की ये कंडीशन देख लीजिए। इवन यहाँ के लोकल लोगों ने फ्राइडे के दिन खुद मोटर ऑन किया, इस रोड को दो तीन बार धोया। लेकिन गवर्नमेंट चूस से टस मस से टस नहीं होती है, और पूरे जितने भी लोकल रोड से, यहाँ से एक रोड जाता है विश्व नाला पे, क्योंकि वहाँ से एक्सट्रैक्शन होती है बोल्डर सैंड की, उसको मैग्नमाइज़ किया गया। बाकी जितने भी वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर, उनके आंगन तक मैग्नमाइज रोड्स जाते हैं, लेकिन इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इवन इन्होंने एमएलए साहब से भी उस दिन बात की है, उनने फ़ोन पे कहा ये मैग्नमाइज करूंगा, लेकिन चंद गुंडू ने अपने रोड्स बनाए और इसको अवॉइड किया। अब इनसे ही बात करेंगे, यहाँ के सदर अवकाफ से क्या हाल के दिन चाय सो यथा ये रे मशीन राके दबा के ट्रेन आ गया पाइप वाइप पास डाउन है फ्लोर दो पाइप को ट्रोय तो इससे सताई पाइप ट्रोय तो ही मोस्ट कर हां पा दो को तो पग नहीं लोन है इस ट्रावो ये साफ नगर मसा ट्रावो है को एमएलए से फोन करनो उस ऑडियो मशीन के बंद है पत् कर शाम यो लड़को मशीन बंद पे दो मे दो इन अस खोज दरअसल खोज मशीन यल नोडोजर अब देखिए क्या हुआ। जिस दिन मैग्नमाइज यहाँ मैग्नमाइज ये रोड करने थे, उस दिन उन्होंने इवन एमएलए साहब को भी फोन किया, एमएलए होमशली बुक उसको फोन किया कि ये मैग्नमाइज ये प्लान में पहले था, लेकिन चंद सेल्फिश वर्कर्स ने दूसरे रोड्स को कनेक्ट किया जबकि वो प्लान में नहीं थे। और इस मेन रोड जो ज़ियारत शरीफ तक जाता है, उस शेखुल आलम की ज़ियारत तक जाता है, उसको अवॉइड किया गया, और अपने मफाद के लिए अपने लोकल रोड और अपने आंगनों तक उन्होंने मैग्नमाइज किया उन रोड को। अब मेरी दरख्वास्त है, हम रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और आरएनबी से, या जिसके भी अंडर ये रोड होगा, उनसे मेरी दरख्वास्त है एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये कैमू की पूरी ब्यूटी इस ज़ियारत शरीफ की वजह से, शेखुल आलम के नाम से ये पूरा एरिया जाना जाता है। दूर दूर से ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं। हम भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से एज़ सून एज़ पॉसिबल इस रोड को मैग्नमाइज करें, ताकि यहाँ के लोकल कम्युनिटी एज़ वेल एज़ अदर जितने भी लोग बाहर से आते हैं इबादत के लिए, उनको यहाँ प्रॉब्लम ना हो। बाकी थैंक यू।